अस्सलामुअलैकुम। हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी गोभी 65 की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना इस तरह से बनाकर। मेरी वीडियो एंड तक देखिए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बनाते हैं मेरे अंदाज में। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम गोभी ली है, इसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है और साफ करके अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इसके लिए हम बॉइलिंग वाटर लेंगे और इसमें हम इसे डाल लेंगे और गैस को बंद कर देंगे और इसे ढककर रखेंगे हम 10 मिनट के लिए। अब इसके लिए बैटर बनाएंगे। यहाँ पर मैदा लेंगे हम 4 टेबल स्पून और कॉर्नफ्लोर लेंगे 3 टेबल स्पून। अब इसमें एक अंडा ऐड करेंगे। अब इसमें दही ऐड करेंगे हम 2 टेबल स्पून। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे हम 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, 1 अंडा, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून धनिया जीरा का पाउडर और 1/2 टीस्पून काली मिर्च और 1/4 टीस्पून रेड फूड कलर। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे हम। सारी चीजें अच्छी तरह से मिल चुकी हैं। अब जो हमने गोभी पानी में रखी थी इसे स्ट्रेन कर लेंगे हम और इस बैटर में ऐड करते हुए फ्राई करेंगे। कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है। इस तरह से हम गोभी को इसमें डिप करके अच्छी तरह से कोट करके हम इसमें एक एक पीस डालते जाएंगे और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इस तरह से इसे पलट पलट कर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे हम। इसे 2 से 3 बैचेस में आप करके फ्राई कर लें। देखिए अब ये फ्राई हो चुकी है, इसे निकाल लूंगी मैं और दूसरा बैच इसी तरह से फ्राई कर लूंगी। देखिए सारे फ्राई करके मैंने निकाल लिए हैं। अब एक पैन गरम करेंगे और इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और इसे 30 सेकंड के लिए भून लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे चॉप किया हुआ लहसुन और अदरक। ये लहसुन 1 टीस्पून है और अदरक 1/2 टीस्पून है। यहाँ पर मैंने पहले लहसुन ऐड किया है, अब इसमें अदरक भी ऐड कर लेंगे और इसे भून लेंगे हम 30 सेकंड के लिए। अब इसमें कुछ कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे और इसे भी 30 सेकंड के लिए भून लेंगे। हल्का सा इसमें से खुशबू आने लगे हरी मिर्च की। उसके बाद हम करियापाक यानी कड़ी पत्ता ऐड कर लेंगे कुछ। अब इसमें हम दही ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1 टीस्पून विनेगर ऐड करेंगे। विनेगर ना हो तो लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें 1/4 टीस्पून रेड फूड कलर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे हम। दही हल्का सा भून जाने के बाद इसमें हम रेड चिली सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून, 1 टीस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे सारी चीजों को हम और 1 मिनट के लिए भून लेंगे हम। अब इसमें हम जो फ्राई की हुई गोभी है वो ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि इन सारी चीजों का फ्लेवर इसमें अच्छी तरह से आ जाए। माशाल्लाह खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, आप एक बार जरूर ट्राई करना इस तरह से बनाकर। मेरे चैनल पर मटन 65, चिकन 65 भी है, आप एक बार जरूर विजिट कीजिए। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ तो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।